बात यह है भैया साहब क्या कहेंगे क्या मुफ्ती साहब कहेंगे मुफ्ती साहब कुछ कहेंगे मुफ्ती साहब कहेंगे मुफ्ती साहब कुछ कहेंगे मुफ्ती साहब चलो 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 बड़े बाबा बात यह है आप हजरात तवज्जो से सुन लीजिए। जोश में कभी होश ना खोना चाहिए। हालात जैसे भी हैं मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और ना ही किसी क्राइम पर मुझे लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको कर रही है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं हाथ उठा करके बताएं मोहब्बत करते हैं तो ये रोड खाली कर दीजिए, बस रोड खाली कर दू पुलिस के लिए मसला न होने पर। बड़े प्यार से कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे सुबह में। हम लोग जाने के बाद में हम लोगों ने पूछा कि क्यों आए हैं क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर। वो वीडियो के बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली कितना पुराना है क्या है, लेकिन अभी उसके ऊपर किसी की धार्मिक भावना को भड़काया नहीं गया है। जो भी है सोशली इसको गलत तरीके से मैसेज किया गया है और इसके अंदर आप देखेंगे, आप खुद वो वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर कोई भी तरीके का प्रोवोक स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, किसी के भी बारे में उसके ऊपर गलत टिप्पणी मुफ्ती साहब ने नहीं की है, कोई स्टेटमेंट नहीं किया गया है। Gracias.